बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लाइव सोनो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज आपको हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड देख के आइडिया हो गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम कुकिंग रेसिपी शेयर करने वाले हैं, एक बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी, चिकन विंग्स, जो कि बहुत ही बच्चों के फेवरेट, बड़ों के फेवरेट, हर एज ग्रुप के लोगों के फेवरेट होता है। तो आज हम ये बनाने वाले हैं। चलिए जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है ना, हमने चिकन तकरीबन 1 kg के करीब है, ठीक है, इसको वॉश कर लिया है। इस तरह से जो है ना, इसको विंग्स की सूरत में हमने कट कर लिया है, वॉश कर लिया अच्छे से। अब हम जो है ना, इसके अंदर इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो अब हम इसी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, चिकन आ गई है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है जी, 1 tablespoon के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है ये। इसके अंदर 1/2 tablespoon जो है काली मिर्च पाउडर है, 2 tablespoon उसके अंदर हमने डाले हैं विनेगर के, आप चाहें तो लीमू भी ऐड कर सकते हैं, 3 अदद, ठीक है जी। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके जनाब, ये हमारी चिकन अच्छे से हमने जो है ना, इसको मसाला लगा लिया। अब हम इसको तकरीबन 1/2 hour के लिए रख देंगे ढक के, मैरिनेशन के लिए, ठीक है जी। जनाब, ये हमारी चिकन हो गई है मैरिनेट, ठीक है जी। हम इसके लिए बनाएंगे कोडिंग। सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे मैदा, तकरीबन 2 cup के करीब हमारा मैदा है, ठीक है जी। मैदे में हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर है, तकरीबन 1 चम्मच, ठीक है। इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर, इसमें हम डालेंगे गार्लिक पाउडर, ये भी तकरीबन 1 teaspoon, और इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो अब हम अपनी ये जो चिकन है, इसको हम कोट करेंगे अच्छे से, इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे। इस पर हम मैदे की कोटिंग जो है वो बहुत अच्छे से करेंगे, इसको झाड़ के इस तरह से, ठीक है जनाब। इस तरह हमने ये 2-4 pieces कर लिए हैं, बाकी हम पूरी होल चिकन को इसी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। अब हमारा ऑयल रेडी है, हम इसको करेंगे फ्राई। मीडियम फ्लेम पे रखना है हमने इसको, और इसको हमने बाद में इसका फ्लेम थोड़ा लो कर देना है, और इसको हमें तकरीबन 8 से 9 मिनट फ्राई करना है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, देखिए इसकी एक साइड फ्राई हो गई। हम इसको कितना खूबसूरत से अच्छे से कलर आ गया, इसमें खूबसूरत सा गोल्डन कलर, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे, रट लेंगे अब हम इन सबको, ताकि ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। सबको पलट, अब ये फ्राई हो गया, मैंने निकाल लेंगे। ये कितना खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आया, बहुत ही प्यारे से ये सब से। अब हम अपना सॉस रेडी करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डाल रहे हैं ये कई गार्लिक, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इसमें अच्छे से, हल्का सा सॉटे करेंगे, सोया सॉस 1 spoon, मस्टर्ड डालेंगे 1 tablespoon, चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें हम
किसी भी काली मिर्च डालेंगे इसमें हम, हनी डालेंगे, आप चाहे तो अगर हनी नहीं हो तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे ऑरिगेनो, हम इसमें थोड़ा सा वर्चस्टर सॉस डालेंगे, बस हम इसमें अपने सारे रिंग्स डाल देंगे। अच्छी तरह सॉस सारा इसमें लग जाए, फ्लेम ऑफ कर देंगे हम अपना। तो जनाब ये हमने इसको अच्छे से अपने सॉस के अंदर जो है ना, ये देख लीजिए इसमें सॉस अच्छी तरह लग गया है, चेक कर लीजिए इतने जबरदस्त लग रहे हैं, टेस्टी टेस्टी। ठीक है जी, अब हम इनको निकाल लेते हैं ब्रेकर में, आप लोग चेक कर सकते हैं हमारे हॉट चिकन विंग्स रेडी हैं। अब हम इस पे थोड़े तिल गार्निश कर देंगे। ठीक है जी, हमारे हॉट चिकन विंग्स रेडी हैं, आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, बच्चे बड़े बल्कि सबकी फेवरेट होती है, या आप जो है ना टी टाइम स्नैक्स में भी बना सकते हैं इसको। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।